उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे ये रद्दी कारोबारी के प्रचार का तरीका अनोखा है। नरेश बीते 10 सालों से रोज अखबार की रद्दी घर घर से इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि रद्दी के जरिए बना ये रिश्ता उन्हें विधायक बना देगा। नरेश गाजियाबाद की सदर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। नरेश ने अपने चुनाव प्रचार में अपने काम को ही प्रचार का जरिया बना लिया है। बीते 10 साल से नरेश घर घर जाकर रद्दी बटोरते हैं। मेरे साथ इस समय जो शख्स हैं, उनका कारोबार है रद्दी बेचने का और इनका नाम है नरेश कुमार और ये राष्ट्रीय समाज पक्ष पार्टी से खड़े हुए हैं चुनाव में। नरेश जी सामने खड़े हुए हैं, सुबह निकलते हैं घर से, सबके यहाँ से रद्दी लेते हैं, उसके बाद उनको पैसा देते हैं और साथ में अपील भी करते हैं कि इस बार वोट उनको दिया जाए। तो वोट क्यों दिया जाए और ये जो कारोबार आप कर रहे हैं ये कितने साल से कर रहे हैं ये बताइए। सर मैं 2012 से ये कार्य कर रहा हूँ, मुझे एक दशक हो चुका है यहाँ पर काम करते हुए और इसी से मेरी रोजी रोटी चलती है, इसी से मेरा और कोई साधन नहीं है, मेरे पास यही एक साधन है रोजी रोटी का। अब उन्हें उम्मीद है कि उनका काम ही उन्हें विधायक की कुर्सी दिलाएगा जिससे वो लोगों की भलाई के लिए काम कर सकेंगे। रद्दी बेचने का काम करते करते कैसे उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया आइए जानते हैं। मेरे विधायक बनने की कोई मेरी लालसा नहीं थी, मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जब मैंने ये देखा कि जब ऐसी स्थिति में हमने स्कूलों से गुहार लगाई कि हमारी फीसों को थोड़ा कम किया जाए, जब 3 महीने पूर्णतः लॉकडाउन था उस समय स्कूल बिल्कुल बंद थे और हम अपने घरों में अपनी छाती से लगा के अपने बच्चों को छुपा के बैठे थे बीमारी से, उस समय भी स्कूल हमसे पूरी फीस वसूल कर रहा था और हमने इसकी आवाज़ उठाई, हमने जिला प्रशासन को लगातार ज्ञापन भी दिए, हमने स्कूलों को भी दिया और हमने धरना प्रदर्शन, वहाँ एक अभिभावक संघ चलता है उस अभिभावक संघ के साथ मिलकर हमने वहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, भूख हड़ताल में भी शामिल रहे, लेकिन ना तो जिला प्रशासन इस पर कुछ कर पाया, ना ही माननीय विधायक जो कुछ दूरी पर ही रहते थे उन्होंने एक बार ये कदम नहीं उठाया कि वो आकर ये तो देखते कि यहाँ पर क्या दिक्कत है ना अभिभावकों की, ये रात और दिन में अंधेरे में क्यों पड़े हैं यहाँ पर, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। नरेश लगातार अखबार रद्दी के रूप में खरीदते हैं, खबरों में पढ़ते हैं और सोचते हैं कि सुधार जरूरी है, सुधार बिना राजनीति के आ नहीं सकता। कोरोना काल में ही नरेश ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। बच्चों का नाम प्राइवेट स्कूल से लगभग इस आधार पर कटने वाला था कि ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी फीस बढ़ानी होगी। घर में सरकार का मुफ्त राशन जिस हाल में पहुंचता था उन्हें इस बात के लिए प्रेरित कर गया कि अब चुनाव लड़ना होगा, जीत के लिए ना सही लेकिन समाज के मुद्दे उठाने के लिए उनके मोबाइल में 3000 नंबर है। लोग जो उन्हें हर महीने अखबार की रद्दी बेचने के लिए बुलाते हैं, बस यही विश्वास है नरेश को कि इन 3000 लोगों का वोट तो उन्हें मिल ही जाएगा।